बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बनी इसराइल कौन है, किस नबी की औलाद हैं, बनी इसराइल के अकायद क्या हैं और फ़लस्तीन को लेकर बनी इसराइल मुसलमानों के साथ क्यों झगड़ते हैं। इसके अलावा बनी इसराइल के मशहूर अनबिया कौन कौन हैं और उनके सहाइफ और किताबें कौन सी हैं, ये भी आपको बताएँगे। वीडियो बहुत ही अहम होने वाली है, लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और चूंकि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का एक नाम या लकब इसराइल भी था, इसी निस्बत से ये बनी इसराइल कहलाते हैं। दोस्तों, चूँकि बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसलिए याकूब अलैहिस्सलाम की और उनकी औलाद की दास्तान का बयान करना ज़रूरी है। दरअसल यही दास्तान बनी इसराइल की भी दास्तान है, तो चलिए ये दास्तान मुलाहिजा फरमाएं। याद रहे कि हज़रत इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, महीस और याकूब। कहा जाता है कि बाप बड़े बेटे महीस और माँ छोटे यानी याकूब अलैहिस्सलाम से ज़्यादा मोहब्बत करती थी। एक दिन बाप ने बड़े बेटे से फरमाइश की कि उन्हें शिकार का गोश्त खिलाया जाए। ये सुनकर महीस शिकार के गरज से जंगल की तरफ चल दिया, जबकि माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम से कहा, तुम जल्दी से बकरी ज़िबा करके बाप को गोश्त पेश करो और दुआएं ले लो। जब बड़ा बेटा शिकार करके वापस आया तो ये देखकर सख्त परेशान और रंजीदा हुआ कि याकूब अलैहिस्सलाम ने उसके आने से पहले ही वालिद को गोश्त खिला दिया। इस बात पर उसके दिल में भाई के खिलाफ दुश्मनी पैदा हो गई। सूरत हाल को भांपते हुए माँ ने याकूब अलैहिस्सलाम को मशवरा दिया कि वो भाई के गैज़ो गज़ब से बचने के लिए घर छोड़कर अपने मामू के पास इराक के शहर हरान चला जाए। चूँकि इस मशवरे में वालिद की राय भी शामिल थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम रात के पहले पहर ही घर से निकल गए। वो रात और अगला दिन सफ़र में गुजारने के बाद अगली रात एक आबादी के करीब खुली जगह में पत्थर को तकिया बनाकर सो गए। आंख लगी तो ख्वाब देखा कि ज़मीन से आसमान तक एक सीढ़ी लगी हुई है, जिसके ज़रिए फरिश्ते ऊपर नीचे आ जा रहे हैं। इसी असना में अल्लाह ने आपसे मुखातिब होकर कहा, मैं तुझको अन करीब बरकत दूँगा और तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा। ये ज़मीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। दोस्तों, बताया जाता है कि इसी वादे और बात को लेकर बनी इसराइल यानी यहूद आज तक दावा करते हैं कि ये ज़मीन यानी फ़लस्तीन तो खुदा ने हमारे नाम कर दी हुई है, अल्लाह की तरफ से हिबा है, लिहाजा कोई दूसरी कौम और फ़लस्तीनी मुसलमान किस तरह से इस पर अपना हक जता सकती है। रिवायात में आता है कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम जब ख्वाब से बेदार हुए तो बहुत खुश थे, अल्लाह का शुक्र अदा किया और मन्नत मानी कि जब भी मैं सलामती के साथ अपने वालिद के पास वापस पहुंचा, तो इस जगह जहां सपना देखा था अल्लाह की इबादत के लिए एक घर तामीर करूंगा और अपने माल का दसवां हिस्सा अल्लाह की राह में खैरात कर दूंगा। चुनाचे उस जगह को छोड़ने से पहले आपने उस पत्थर जिसे तकिया बनाकर सोए थे तेल मल दिया, ताकि वापस आकर पहचानने में आसानी हो। अलबत्ता हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने मामू लाबान के पास हरान शहर पहुँचे। मामू भांजे को देखकर बहुत खुश हुआ, सीने से लगाया और खूब खातिर तवाज़ो की। रिवायात बताती हैं कि लाबान की दो बेटियाँ थीं, बड़ी का नाम लिया और छोटी का राहील था। चूंकि छोटी बहुत ही हसीनो जमील थी, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू से उसका रिश्ता मांगा, जिस पर लाबान ने कहा, तुम 6 साल तक मेरी बकरियां चराओ, कुछ रिवायात में 7 साल तक भी लिखा है, तो मैं तुम्हारी शादी राहील से कर दूंगा। इस वादे पर याकूब अलैहिस्सलाम 6 साल या 7 साल तक मामू की बकरियाँ चराते रहे। जब मुद्दत मुकम्मल हुई तो लाबान ने अजीज़ो अकारब और दोस्तों को जमा करके याकूब अलैहिस्सलाम का निकाह अपनी बेटी से कर दिया। अब शादी की पहली रात जब याकूब अलैहिस्सलाम अपनी दुल्हन के पास गए तो पता चला कि निकाह राहील से नहीं बल्कि बड़ी बेटी लिया से कर दिया गया है।
सुबह हुई तो मामू से दरियाफ्त किया कि ये क्या माजरा है। मामू ने जवाब दिया, हमारे यहाँ रिवाज के मुताबिक बड़ी बेटी के होते हुए छोटी बेटी की शादी नहीं हो सकती, लेकिन मैंने तो छोटी का हाथ मांगा था। याकूब अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया। इस पर लाबान ने कहा, अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो मजीद 7 साल मेरी बकरियों की देखभाल करनी होगी। ये सुनकर याकूब अलैहिस्सलाम ने मजीद 7 साल मामू की बकरियां चराने की हामी भर ली। और जब 7 साल मुकम्मल हुए तो लाबान ने राहिल की शादी भी याकूब अलैहिस्सलाम से कर दी। याद रहे उस वक्त 2 बहनों से 1 मर्द की शादी ममनू ना थी। दोस्तों रिवायात के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने राहिल से शादी के बाद कुछ वक्त मामू के पास गुजारा और फिर अहलो अयाल के साथ अपने वतन केनान जो मौजूदा फलस्तीन है वापस जाने की इजाजत चाही। ये सुनकर लाबान बहुत गमगीन हुआ क्योंकि उसकी 2 बेटियां बच्चे और भांजा जिसने 20 साल उसके पास गुजारे अब बिछड़ रहे थे। उसने याकूब अलैहिस्सलाम को मजीद रुकने के लिए कहा मगर उन्हें अल्लाह की तरफ से हुक्म था कि अब वापस अपने वतन केनान, याद रहे फलस्तीन का पुराना नाम केनान था, वहां जाकर दीन इस्लाम की तबलीग करें। लिहाजा वो मामू से इजाजत लेकर वापसी के सफर पर रवाना हो गए। भांजे को रुखसत करते हुए लाबान ने अपनी बेटियों को जहेज के तौर पर बहुत सारी भेड़ बकरियां और सामान खुर्दो नोश साथ दिया। कहा जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने सफर करते हुए केनान के नजदीक पहुंचकर एक ऐसी जगह पड़ाव डाला जहाँ करीब ही उनका भाई महीस रहता था, लेकिन याकूब अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म ना था। गांव के लोगों ने महीस को खबर दी कि एक काफला खवातीन, बच्चों और भेड़ बकरियों के साथ हरान से केनान जा रहा है और काफले के सालार का नाम याकूब है। ये सुनकर पहले तो महीस परेशान और ताज्जुब में पड़ गया कि ये कौन लोग हैं जो इतना माल असबाब लेकर यहाँ से गुजर रहे हैं, लेकिन फिर जल्द ही 20 साल पुरानी कहानी याद आ गई कि हो ना हो ये मेरा भाई याकूब है। लिहाजा वो 400 भेड़ बकरियां और कुछ साथियों को लेकर उसकी तरफ चल पड़ा। जब याकूब अलैहिस्सलाम को यह खबर मिली तो बहुत गमगीन हुए कि जिस भाई की वजह से मुझे वतन छोड़ना पड़ा, अगर वो ही आ रहा है तो मुझे परेशान करेगा। मगर ऐन उसी वक्त आसमान से फरिश्ते ने आकर कहा, गमगीन ना हो और भाई का इस्तकबाल करें। ये सुनकर उनकी ढारस बंधी, अपने रेवड़ से कुछ जानवर बतौरे तोहफा लिए और आगे बढ़कर भाई का इस्तकबाल किया। महीस ने जब इतनी मुद्दत के बाद भाई को देखा तो गुस्सा जाता रहा, पास आकर याकूब अलैहिस्सलाम को सीने से लगा लिया और साथ ले जाकर खूब खातिर तवाज़ो की। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम चंद रोज भाई की मेजबानी में गुजार कर जब आगे बढ़े तो 20 साल पुराने रास्तों को तलाश करते हुए यरूशलम के करीब उस मकाम तक पहुंच गए जहां उन्होंने 20 साल कबल पत्थर के तकिए पर सर रखकर रात गुजारी थी। उन्हें अपनी मन्नत याद आ गई, लिहाजा बेटों को साथ लेकर उस पत्थर को तलाश करना शुरू किया जिस पर तेल मलकर गए थे। अगरचे बहुत अरसा गुजर चुका था लेकिन अल्लाह की मदद व ताईद हासिल थी, इसलिए जल्द ही वो पत्थर तलाश कर लिया और अपनी मानी हुई मन्नत के मुताबिक बेटों के साथ मिलकर वहां अल्लाह का घर तामीर किया जिसे आज हम बैतुल मुकद्दस के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्तों, यहां आपको ये बताते चलें कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस इमारत को दोबारा तामीर करना शुरू किया और फिर उनके बेटे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात की मदद से यहाँ एक इमारत तामीर की जिसे यहूदी हैकले सुलेमानी के नाम से पुकारते हैं। बताया जाता है कि यह इमारत रोमियों और बाबलियों के हमलों में तबाह हो गई थी, मगर इसकी एक दीवार बाकी है जिसे दीवारे गिरिया कहा जाता है। आपने तस्वीरों में या वीडियोस में यहूदियों को अक्सर इस दीवार के साथ खड़े होकर तौरात पढ़ते देखा होगा। यहूदियों का ये भी मानना है कि मुसलमानों ने अपने दौरे इक्तदार में ऐन इस जगह पर मस्जिद अक्सा तामीर की कि जहां कभी हैकले सुलेमानी मौजूद था, इसलिए हमें जब भी मौका मिला मस्जिद अक्सा को गिराकर दोबारा ग्रेट हैकल तामीर करेंगे।
दोस्तों बात हो रही थी याकूब अलैहि सलाम की। याद रहे कि हजरत याकूब अलैहि सलाम की दो बीवियां और दो बांदियां थीं, लिया और राहील, दो सगी बहनें और मामू की बेटियां, जिनसे शादी करके आप इराक से यरूशलम वापस जा रहे थे, जबकि बांदियों में जुल्फा और बलहा के नाम रिवायात में मिलते हैं। इन सब के बतन से पैदा होने वाली औलाद और जिस नंबर पर उन बच्चों की पैदाइश हुई उसकी तफसील कुछ इस तरह है। पहली बीवी लिया से रैबून, शमाउन, लावी, यहूदा, लिस्याकार और जबूलून बेटे पैदा हुए, जबकि एक बेटी दीना भी पैदा हुई। दूसरी बीवी राहील से यूसुफ और बिन्यामीन दो बेटे पैदा हुए। बांदी जुल्फा से जाद और आशर दो बेटे पैदा हुए और बांदी बलहा से दान और नफ्ताली दो बेटे पैदा हुए। यूं याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे और एक बेटी थी। इन्हीं 12 बेटों से आगे चलकर बनी इसराइल के 12 कबीले वजूद में आए। याद रहे कि बनी इसराइल से मुराद इसराइल की औलाद है, क्योंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था, जिसका मतलब है अल्लाह का बंदा। लेकिन हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे यहूदा के नाम की मुनासबत से उन्हें यहूदी भी कहा जाता है। प्यारे दोस्तों, इस किस्से की इब्तदा दरअसल हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से होती है, और वो इसलिए कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पोते हैं। इस तरह असलन ये आले इब्राहिम हैं, और हम मुसलमान हर नमाज में आले इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजते हैं। लेकिन दोस्तों, ये दास्तान जानबूझकर हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से शुरू की गई है, क्योंकि उनके वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के जंक्शन से आले इब्राहिम दो हिस्सों बनी इसराइल और बनी इस्माइल अलैहिस्सलाम में बढ़ जाते हैं, और यही वो नुक्ता है जिसे समझने की जरूरत है। हमारे यहाँ कुछ लोग यहूदियों को बुरा भला तो कहते हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि ये हैं कौन और बनी इस्माइल से उनका क्या रिश्ता है। दोस्तों, ये तो हर कोई जानता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दो बीवियां थी। पहली बीवी बीबी सारा से औलाद ना होने पर आपने फिरौन मिस्र की बेटी सैयदा हाजरा से दूसरी शादी कर ली, जिनके बतन से अल्लाह ने आपको हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की शक्ल में फर्जंद अता किया। अगरचे ये अल्लाह का हुक्म और इरादा था, लेकिन बाज मौर्रख लिखते हैं कि जब दूसरी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो दो खवातीन के दरमियान चपकलश शुरू हो गई। लिहाजा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बीबी हाजरा और नौमौलूद इस्माइल अलैहिस्सलाम को यरूशलम से कोसों दूर वादी मक्का में सफा और मरवा के मकाम पर छोड़ आए, और यही जगह आज हमारे हज का एक अहम रुकन है। याद रहे कि बीबी हाजरा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के मक्का चले जाने के बाद अल्लाह ने बीबी सारा को भी बेटा अता कर दिया, जिसका नाम इसहाक रखा गया, और इसी इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को बनी इसराइल कहा जाता है। यूं समझ लीजिए कि इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम दो भाई थे। छोटे भाई इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल जो फलस्तीन में फली फूली बनी इसराइल कहलाई, जिसमें से दानियाल अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, अय्यूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, एलिया अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम जैसे आली मर्तबत अनबिया अलैहिस्सलाम ने जन्म लिया, जबकि बड़े बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद सरजमीन हिजाज मौजूदा सऊदी अरब की वादी मक्का में आले इस्माइल के नाम से आगे बढ़ी। इस तरह रिश्ते के लिहाज से बनी इसराइल और बनी इस्माइल कजन यानी सगे चचाजाद भाई हैं, और इसी बनी इस्माइल के एक कबीले कुरैश की शाख बनी हाशिम में खातमुन्नबीयीन हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्म हुआ। प्यारे दोस्तों, ये सारी कहानी बयान करने का मकसद ये था कि आपको बनी इसराइल और बनी इस्माइल के बारे में तफसील से आगाह किया जाए, और आप जान चुके हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटों से ये सिलसिला चला। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद बनी इसराइल कहलाई, जबकि इस्माइल अलैहिस्सलाम की बनी इस्माइल। अब आपको मौजूदा दौर के यहूदियों के बारे में बताते हैं,
जो खुद को बनी इसराइल कहते हैं। इन यहूदियों और अरबों यानी मुसलमानों में जो झगड़ा चल रहा है, इस झगड़े की असल वजह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम पर वही होने वाले वो जुमले हैं जिनका तज़किरा वीडियो के आगाज में हुआ था कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने मामू के घर जाते हुए रास्ते में पत्थर पर सर रखकर रात गुजारी और वो ख्वाब देखा जिसमें अल्लाह ने उन्हें बशारत दी कि मैं तुझे बरकत दूंगा, तेरी औलाद को कसीर कर दूंगा और ये जमीन तेरे लिए कर दूंगा और तेरे बाद तेरी औलाद के लिए। प्यारे दोस्तों, इसी खुदाई वादे की रिवायत को लेकर यहूदी या बनी इसराइल ये दावा लिए घूम रहे हैं कि अल्लाह ने तो हमारे दादा याकूब बिन इसहाक से बरकत का अहद किया था, लिहाजा बनी इसराइल से बाहर बिलखसूस बनी इस्माइल से कैसे कोई नबी आ सकता है, और ये जमीन यानी फलस्तीन तो उस वक्त से हमारे नाम हिबा कर दी गई थी, लिहाजा हम बनी इस्माइल के नबी यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं और ना ही अर्ज फलस्तीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये हमारे दादा याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खुद अता की है। दोस्तों, आपकी आगाही के लिए यहाँ ये भी बताते चलें कि बनी इसराइल यानी यहूदी इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम को लौंडी का दर्जा देते हैं। इसराइली लिटरेचर के मुताबिक फिरौन मिस्र ने उनके परदादा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को लौंडी अता की थी और लौंडी कभी मालकन यानी सारा वालिदा इसहाक अलैहिस्सलाम की हम मर्तबा नहीं हो सकती। उनका अपनी किताबों में ये बात लिखने का मकसद ये था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को लौंडी का बेटा जाहिर करके अपने दादा हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम से कमतर साबित किया जाए। नाउज़ुबिल्ला। प्यारे दोस्तों, मुसनद रिवायात के मुताबिक दरअसल हुआ यूं था कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तबलीग इस्लाम की वजह से इराक के बादशाह नमरूद के जुल्मों से तम का निशाना बने और तंग होकर जब अपना आबाई वतन वादी बाबल छोड़ने पर मजबूर हुए तो अपनी अहलिया बीबी सारा अलैहिस्सलाम को लेकर फलस्तीन की तरफ निकल पड़े। रास्ते में मिस्र का मुल्क आता था, वहां पहुंचे तो बादशाह मिस्र फिरौन को उसके कारिंदों ने खबर कर दी कि इब्राहिम नाम का एक मुसाफिर आया है जिसके साथ उसकी इंतहाई हसीनो जमील बीवी भी है। फिरौन का मामूल था कि अगर किसी बाहर से आने वाले शख्स की बीवी खूबसूरत हो तो वो उसे अपने पास रख लेता था, लिहाजा उसने हुक्म दिया कि उस औरत को मेरे सामने पेश किया जाए। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास फिरौन के कारिंदे इस गर्ज से आए कि अपनी बीवी सारा को बादशाह के पास भेजो तो उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि ऐ रब, जिस तरह तूने मुझे नमरूद की आग से बाहिफाजत निकाला, इसी तरह इस बादशाह की बुरी नीयत से मेरी पाक बाज बीवी सारा को महफूज रखना। चूंकि आप मुसाफिर और अकेले थे, लिहाजा बेबसी की हालत में बीवी सारा को फिरौन के दरबार में रवाना कर दिया। जब पैगम्बर खुदा की बीवी फिरौन के सामने गई तो वो उनके हुस्न जमाल को देखकर दीवाना हो गया और खराब नीयत से उनकी तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर बीबी सारा ने नमाज पढ़नी शुरू कर दी और अल्लाह से दुआ की कि ऐ मालिक, मैंने अपने खाविंद के सिवा किसी को नहीं देखा, मुझे फिरौन के गलत इरादे से महफूज रखना। जब नमाज से फारिग हुई तो फिरौन ने फिर हाथ बढ़ाया, लेकिन इस दौरान उसे अजाब इलाही ने आन लिया, वो बेहोश होकर गिर पड़ा। मौरखीन लिखते हैं कि उसके मुंह से झाग निकलने लगी और करीब था कि वो मर जाता। ये देखकर सारा अलैहिस्सलाम परेशान हो गई कि अगर ये मर गया तो बादशाह के कत्ल का इल्ज़ाम मुझ पर आयद होगा। उन्होंने फिर अल्लाह से दुआ की कि इसे ठीक कर दे। जब वो ठीक हो गया तो उसने दोबारा वही हरकत की और सारा अलैहिस्सलाम को दोबारा दुआ करना पड़ी। जब दो दफ़ा अजाब से गुजरा तो उसे यकीन हो गया कि ये औरत इंसान नहीं बल्कि जिन्नात में से है। उसने अपने कारिंदों से कहा, तुम तो किसी जिन को मेरे पास ले आए हो और इसे वापस उसके खाविंद के पास ले जाओ। वो सारा अलैहिस्सलाम की शख्सियत और करिश्मात से इस कदर मुतासिर हुआ कि जाते हुए उसने अपनी बेटी हाजरा अलैहिस्सलाम उन्हें तोहफे में दे दी, जिसे बीबी सारा अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश किया और उन्होंने उससे निकाह कर लिया। क्योंकि तब तक उनकी कोई औलाद न थी
और इस तरह बीबी हाजरा अलैहि सलाम के बदन से अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम को पहला बेटा अता किया जिसका नाम इस्माइल रखा गया। याद रहे कि इस वाक़े के पेश नज़र बनी इसराइल ने फिरौन की बेटी हाजरा सलामुल्ला अलैहा को कसदन कनीज लिखा बाहवाला बाइबल, ताकि उसकी औलाद यानी बनी इस्माइल का मर्तबा कम तर किया जा सके। दोस्तों याद रहे कि मकाम व मर्तबा तो अल्लाह की तरफ से है जो अल्लाह ताला ने हर नबी के लिए अता फरमाया है, और सब नबियों का सरदार अल्लाह ताला ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करार दिया है जो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद में पैदा हुए। लेकिन यहूदियों में यानी बनी इसराइल में यह तासुब पाया जाता है कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि सरदारुल अनबिया भी हैं वो उनके कबीले में क्यों नहीं मबऊस हुए, और यही वजह है अरबों यानी मुसलमानों और यहूदियों के बीच लड़ाई और इख्तलाफ की कि वो हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के अलावा किसी को अहमियत नहीं देते और ना ही बनी इसराइल से बाहर किसी को नबी तस्लीम करते हैं। और आपको बताते चलें कि यहूदी इस बात पर भी इसरार करते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से जिस बेटे को कुर्बान करना चाहा वो इसहाक थे ना कि इस्माइल, जैसा कि हम मुसलमानों का अकीदा है। रही बात अर्ज फलस्तीन की, तो उसे वो खुदा की तरफ से इनाम और आले याकूब यानी बनी इसराइल होने की वजह से अपनी वरासत ख्याल करते हैं। दोस्तों वरासत से याद आया कि यहूदी हम मुसलमानों और मसीहियों की तरह किसी तबलीग के नतीजे में दूसरे मजहब को छोड़कर यहूदी नहीं हुए, बल्कि उनका दावा है कि वो सब के सब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, इसीलिए उन्हें बनी इसराइल कहा जाता है। प्यारे दोस्तों बात हो रही थी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की वतन वापसी की। उनकी दास्तान बयान करते करते बीच में कुछ जरूरी बातों का तذکرہ करना पड़ा। दोस्तों रिवायात बताती हैं कि बैतुल मुकद्दस की तामीर के बाद वहीं पर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वालिदा राहील के हाथ दूसरे बेटे बिन्यामीन की विलादत हुई, और दौरान जचगी राहील का इंतकाल हो गया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपनी चहेती बीवी राहील को बैतुल मुकद्दस में ही दफन करके उनके सरहाने निशानी के तौर पर एक पत्थर गाड़ दिया जो अब तक मौजूद है। कहा जाता है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को अपनी बीवी राहील से इस कदर मोहब्बत थी कि उनकी वफात से सख्त रंजीदा हुए और बैतुल मुकद्दस को छोड़कर अपने वालिद हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास हेब्रोन यानी अल खलील शहर आ गए। उनका बड़ा भाई महीस भी वहां आ गया, और दोनों बेटों की मौजूदगी में हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम 180 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। याद रहे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और जनाब इसहाक अलैहिस्सलाम की कब्रें इसी शहर में हैं जिसे यहूदी हिब्रोन और मुसलमान अल खलील के नाम से पुकारते हैं। दोस्तों रिवायात बताती हैं कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने बड़ी कठिन और दुख भरी जिंदगी गुजारी। शुरू में बड़े भाई के डर से 20 बरस तक वालदैन से जुदा रहे, फिर चहेती बीवी यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन की माँ राहिल दागे मुफारकत दे गईं, और सबसे बढ़कर ये कि बाकी 10 बेटों ने अपने सौतेले भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन को बहुत सताया। चूंकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को राहील के बेटों यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन से बहुत प्यार था, लिहाजा हर वक्त उन्हें साथ रखते थे, जिस पर बाकी 10 बेटे नाराज हो गए और उन्होंने साजिश करके यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल दिया। ये अलग बात है कि बाद में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र पहुँच कर वहाँ के हाकिम बने और भाइयों समेत अपने वालिद को वहाँ बुला लिया। तारीख बताती है कि जब हजरत याकूब अलैहिस्सलाम मिस्र गए तो उनके साथ कुनबे के फकत 93 अफराद थे, लेकिन बाद में जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इसराइलियों को किब्ती ईसाइयों के गुलामी से छुड़ाकर वापस यरूशलम लाए तो उनकी तादाद 6,70,000 थी। प्यारे दोस्तों रिवायात के मुताबिक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में 40 साल तक रोते रहे, और बिलाखिर बाप बेटा उस वक्त मिले जब यूसुफ अलैहिस्सलाम वालिये मिस्र थे। मुलाकात के बाद जनाब याकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई लौट आई,
और वो 24 बरस तक बेटे के पास मिस्र में मुकीम रहे। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम को वसीयत की कि मौत के बाद मेरी बैयत अपने वतन फलस्तीन ले जाकर मेरे बाप इसहाक अलैहिस्सलाम के कदमों में दफन करना। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बाप की वसीयत के मुताबिक उनकी वफात के बाद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मैयत एक संदूक में बंद करके फलस्तीन पहुंचाई और हस्बे वसीयत हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पास दफन किया। कहा जाता है कि उस दिन से बनी इसराइल ने अपने मुर्दों को संदूक में बंद करके दफनाना शुरू कर दिया और ये रस्म आज भी जारी है। दोस्तों, उम्मीद है कि यहाँ तक आपको बनी इसराइल के बारे में काफी हद तक जानकारी हासिल हो चुकी होगी कि असल में बनी इसराइल कौन है। जहाँ तक अर्ज फलस्तीन और बैतुल मुकद्दस पर कंट्रोल और हाकमियत का ताल्लुक है, तो हकीकत यह है कि ये सरजमीन तीनों बड़े मजाहिब इस्लाम, मसीहियत और यहूदियत के नज़दीक यकसां तकदीस का दर्जा रखती है। सब के सब उसका एहतराम करते हैं और वो उसके लिए बनी इसराइल के तमाम अनबिया इस सरजमीन पर आए और अक्सर यहीं पर मदफून हैं और महवे इस्तराहत हैं। याद रहे कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम भी इसी खत्ते अर्ज पर तशरीफ लाए, यहीं पर उन्हें मसलूब करने की कोशिश की गई और यहीं से अल्लाह ने उन्हें अपने पास आसमानों पर बुला लिया। लुत्फ की बात यह है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उन्हीं में से और उन्हीं इसराइलियों की तरफ नबी बनाकर भेजे गए थे, मगर उन्होंने उनका इनकार किया और जिन लोगों ने उन्हें अल्लाह का सच्चा नबी तस्लीम कर लिया वो बाद में मसीही कहलाए। दोस्तों, ये भी याद रहे कि हजरत ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के आखिरी नबी थे और उनके तकरीबन 575 बरस बाद खित्ता हिजाज मौजूदा सऊदी अरब में आबाद बनी इसराइल के कजन कबीले बनी इस्माइल से अल्लाह के आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आले मबूस हुए। कजन कबीले की इस्तलाह से कतन मुताज्जिब होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हजूर अलैहिस्सलाम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, जो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उर्फ इसराइल के चचा थे। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चलें कि यहूदियों और मसीहियों की तरह हम मुसलमानों के लिए फलस्तीन इसलिए मुकद्दस है कि यहाँ हमारा किबला अव्वल वाक़े है और कुरान के मुताबिक मेराज की शब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी बैतुल मुकद्दस से आसमानों पर तशरीफ ले गए। ये हैं वो बुनियादी वजूहात जिसकी बिना पर यह खित्ता गुज़श्ता कई सदियों से मुसलसल कशमकश और जंगो जदल से लबरेज चला आ रहा है। जो कौम ताकतवर हुई उसने बढ़कर उस पर कब्जा कर लिया। तारीख के मुताबिक मसीही, यहूदी और मुसलमान बारी बारी कई मरतबा इसे फतह करके यहाँ अपना इक्तदार कायम कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई पायदार हल सामने नहीं आ सका और आज भी फलस्तीन दुनिया के सामने एक हल तलब मसले के तौर पर मौजूद है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अगरचे ये सरजमीन आलम मसीहियत के लिए भी इतना ही प्यारी और मुकद्दस है कि जितना उसे यहूदी और मुसलमान प्यार करते हैं, लेकिन क्रिश्चियन वर्ल्ड, अमेरिका और बरतानिया ने एक सोचे समझे मंसूबे के तहत 1948 में इसे मुसलमानों यानी उर्दन से लेकर यहूदियों के हवाले कर दिया और अब तक ये यहूदियों ही के कब्जे में है। प्यारे दोस्तों, हम आपको बनी इसराइल पर नाजिल होने वाले आसमानी खान के बारे में भी बताएंगे जो मन्नो सलवा की सूरत में उन पर नाजिल होता रहा, लेकिन पहले तज़करा करते हैं बनी इसराइल के मशहूर अनबिया का। वैसे तो बनी इसराइल में कई नबी अल्लाह की तरफ से मबूस किए गए हैं, लेकिन हम यहाँ पर चंद मशहूर और मारूफ अनबिया का तज़करा मुख्तसर तौर पर करेंगे। बनी इसराइल के मारूफ अनबिया में याकूब अलैहिस्सलाम, यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, दानियाल अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के नाम शामिल हैं और ये वो अनबिया हैं कि जिनका तज़करा कुरान पाक में भी आया है। याकूब अलैहिस्सलाम का तफसीली वाक़या आप मुलाहिजा कर चुके हैं, अलबत्ता बाकी अनबिया का मुख्तसर तज़करा जो है वो ज़रूरी है,
लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। सबसे पहले तذکرہ करते हैं हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के पोते और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पड़पोते हैं। वालिदा राहील हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के छोटे भाई बिन्यामीन की पैदाइश के वक्त इंतकाल कर गई थी। यूं तो अल्लाह ताला ने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को 12 बेटों से नवाजा था, लेकिन राहील के बतन से दो बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन ही हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी अपनी वालिदा की तरह हुस्न व जमाल में लासानी थे। वालिद को उनसे बेहद मोहब्बत थी और वो उन्हें खुद से जुदा नहीं करते थे। रिवायात में है कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की चहेती बीवी राहील ने भी उनके लिए खसूसी वसीयत की थी। अब ये बिन माँ के भी थे और 10 सौतेले भाइयों से छोटे भी। फिर शदीद कुर्बत और मोहब्बत का एक सबब ये भी था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की पेशानी पर चमकते नूरे नबूवत का मुशाहिदा भी कर लिया था। दोस्तों याद रहे कि अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने कुरान करीम की 111 आयात पर मुश्तमिल पूरी एक सूरत सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को बयान फरमाया है। इस सूरत में बयान करदा वाक़े को अहसनुल क़सस यानी बेहतरीन वाक़या कहा गया है। आपको बताते चलें कि कुरान पाक में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का नाम मुबारक 26 मरतबा आया है, जिसमें से 24 बार सूरह यूसुफ में, जबकि सूरह इनाम और सूरह गाफिर में एक एक बार आप अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है। कहते हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी सने बलागत को न पहुंचे थे कि उन्होंने एक ख्वाब देखा, जिसका अपने वालिद से यूं जिक्र किया, ऐ अब्बा जान, मैंने 11 सितारों सूरज और चांद को देखा कि वो सब मुझे सजदा कर रहे हैं। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने जब बेटे का ख्वाब सुना तो समझ गए कि ये बड़े होकर अल्लाह ताला की जानिब से एक अजीम मनसब पर फाइज होंगे। इसलिए उन्हें अंदेशा हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के सौतेले भाई उनकी अजमत का अंदाजा लगाकर शैतान के बहकावे में आकर उनके दुश्मन ना हो जाएं और उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचाएं। चुनाचे उन्होंने कहा, प्यारे बेटे, अपने इस ख्वाब का जिक्र अपने भाइयों से ना करना, ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे साथ कोई फरेबकारी करें। कुछ शक नहीं कि शैतान इंसान का खुला दुश्मन है। दोस्तों बाज़ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जिस वक्त हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को ख्वाब सुना रहे थे, सोतेली माँ दरवाजे की आड़ से बातें सुन रही थी। जब सोतेले बेटे घर आए तो उसने ये बात उनके गोश गुजार कर दी। वो वैसे भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से हसद करते थे, लिहाजा इस वाक़े ने जल्दी पर तेल का काम किया। उन्हें ये किसी दौर गवारा ना था कि उनका सोतेला छोटा भाई शान और रुतबे में उनसे आगे बढ़ जाए, लिहाजा उन सब ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को वालिद से जुदा करने का फैसला कर लिया। उन्होंने आपस में कहा कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को या तो जान से मार डालो या उसे किसी मुल्क में फेंकाओ, फिर अब्बा की तवज्जो सिर्फ तुम्हारी तरफ हो जाएगी और उसके बाद तुम अच्छी हालत में हो जाओगे। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को कत्ल तो ना करो, बल्कि किसी अंधे कुएं की तह में डालाओ, ताकि कोई आता जाता काफला उसे निकाल कर ले जाए। अगर तुमको कुछ करना ही है तो यूं करो। दोस्तों ये वाक्या एक तवील वाक्या है जिसका तज़किरा यहाँ मकसूद नहीं। अलबत्ता अल्लाह ताला की मंशा के मुताबिक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का ख्वाब सच्चा हुआ। अल्लाह ताला ने उनको वाली मिस्र बनाया और सब भाइयों ने उनको सजदा किया, जो कि ताज़ीमन था और उस वक्त की शरीयत में जायज़ था, जिसका तज़किरा कुरान पाक में मौजूद है। दोस्तों ये था मुख्तसर तारुफ हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का। अब तज़किरा करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम भी अल्लाह के बरगुजीदा पैगंबरों में से एक थे। आपका पूरा नाम मूसा बिन इमरान है। आप मिस्र में पैदा हुए। आपको कौम बनी इसराइल की तरफ मबऊस किया गया और आपकी मावनत के लिए हारून अलैहिस्सलाम को भी नबूवत दी गई,
याद रहे कि हजरत हारून अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं और उनका तज़करा भी कुरान पाक में आता है। प्यारे दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम भी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद से हैं, जो कि बनी इसराइल कहलाती है। रिवायात बताती हैं कि बनी इसराइल को मिस्र में रहते हुए काफी मुद्दत गुजर चुकी थी। क्योंकि ये लोग बाहर से आए हुए थे, इसलिए मिस्री उन्हें अच्छी नजर से नहीं देखते थे। आपको बताते चलें कि उसी जमाने में मिस्र का हर बादशाह फिरौन कहलाता था। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 16वें फिरौन के जमाने में मिस्र तशरीफ लाए थे, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने का बादशाह 19वां फिरौन था। उसका नाम मनफताह बिन रमसस दोम था। रिवायात में आता है कि फिरौन ने एक ख्वाब देखा, जिसकी ताबीर ये बताई गई कि बनी इसराइल का एक लड़का तेरी हुकूमत के जवाल का बायस होगा। इस पर फिरौन ने हुक्म दिया कि बनी इसराइल में जो लड़का पैदा हो उसको कत्ल कर दिया जाए। उस जमाने में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम इमरान के घर में पैदा हुए। माँ बाप को सख्त परेशानी थी और वो समझते थे अगर किसी को पता चल गया तो उस बच्चे की खैर नहीं। आखिर अल्लाह ताला ने आपकी वालिदा के दिल में ये बात डाल दी कि इस बच्चे को संदूक में डालकर दरियाए नील में बहा दो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने ऐसा ही किया और अपनी बड़ी लड़की को भेजा कि वो संदूक के साथ साथ किनारे पर जाए और देखे कि अल्लाह किस तरह इसकी हिफाजत करता है। जब ये संदूक तैरता हुआ शाही महल के करीब पहुंचा तो फिरौन के घराने की औरतों में से एक ने उसको देखकर बाहर निकलवा लिया और जब उसमें एक खूबसूरत बच्चे को देखा तो खुश हुई और उस बच्चे को महल में ले गई। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बहन भी फिरौन की खादमाओं के साथ शामिल हो गई। फिरौन की कोई औलाद ना थी। जब उसकी बीवी आसिया ने एक हसीन और जमील बच्चे को देखा तो बहुत खुश हुई। इतने में फिरौन भी आ गया और उसके कत्ल का हुक्म दे दिया। फिरौन की बीवी ने मिन्नत समाजत से कहा कि इस मासूम को कत्ल ना करो, कोई बड़ी बात नहीं अगर ये बच्चा मेरी और तेरी आंखों का नूर और दिल का सरूर बन जाए और हम इसको अपना बेटा बना लें, और अगर हकीकत में यही वो बच्चा है जो तेरे ख्वाब की ताबीर बनने वाला है तो हम इसकी ऐसी तरबियत करेंगे कि हमारे लिए नुकसान रसान बनने की बजाय मुफीद ही साबित हो। इस तरह फिरौन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कत्ल करने से बाज रहा। दोस्तों, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के घर में पलकर जवान हुए। यह है अल्लाह रब्बुल इज्जत की कुदरत कि कैसे उस बच्चे को जिंदा रखा। उसकी मोहब्बत फिरौन की बीवी आसिया के दिल में डाली। उसकी परवरिश का सामान मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ही के जिम्मे लगाया और आप अलैहिस्सलाम को उनके दुश्मन के घर में पाल कर दिखाया, वो दुश्मन जो अपने रब होने का दावा करता था। प्यारे दोस्तों, रिवायात बताती हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े खूबसूरत और ताकतवर थे। एक मर्तबा एक किब्ती और इसराइली की लड़ाई के दौरान आप अलैहिस्सलाम ने किब्ती को घूंसा मारा जिससे वो मर गया। अगले दिन एक दूसरे किब्ती ने यह खबर मशहूर कर दी कि मिस्री को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने मारा था। फिरौन ने उनको गिरफ्तारी के अहकाम जारी कर दिए। उस वक्त एक आदमी फिरौन के दरबार में मौजूद था जिसको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से उन्स था। उसने फौरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को जाकर सारे वाक़े की इत्तला दी और मशवरा दिया कि आप फौरन यहाँ से निकल जाएं। चुनाचे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम वहाँ से बेसरो सामान निकल खड़े हुए और मंजिलें तय करते हुए मदीन के शहर जा पहुँचे। आप भूख और प्यास से निढाल हो रहे थे। जब वे कुएं पर पहुंचे तो देखा कि कुएं पर लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग अपने अपने रेबड़ों को पानी पिला रहे हैं। सबसे पीछे दो लड़कियां अपनी बकरियां लिए खड़ी हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उन लड़कियों के रेबड़ को पिला दिया। लड़कियों ने घर जाकर माजरा सुनाया तो उनके बूढ़े बाप ने कहा कि ये एहसान फरामोशी होगी कि हम अपने मौसन के साथ कोई अच्छा सलूक ना करें, और कहा जाओ परदेसी नौजवान को अपने घर बुला लाओ ताकि हम उसकी कुछ खिदमत कर सकें। चुनाचे एक लड़की गई और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को साथ ले आई। उनके बाप ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को खाना खिलाया
और उस तरफ आने की वजह पूछी। आपने तमाम वाकया सुना दिया। उस लड़की ने जो आपको बुलाने गई थी अपने बुजुर्ग बाप से कहा कि बाबा जान, बेहतर होगा कि इस नौजवान को मुलाजिम रख लिया जाए। मुलाजिम वही अच्छा होता है जो ईमानदार भी हो और ताकतवर भी। ये सुनकर वो बुजुर्ग बहुत खुश हुए और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर तुम 8 साल मेरी बकरियां चराओ तो अपनी ये बेटी तुम्हारे निकाह में दे दूंगा, और अगर तुम 2 साल और बकरियां चराओ तो यही लड़की का हक मेहर होगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको कबूल किया और फरमाया, ये मेरी खुशी पर छोड़ दीजिए, इन दोनों में से जो मुद्दत मैं चाहूँ उसको पूरा कर दूँ। चुनाचे मुकर्रा मुद्दत तक बकरियां चराने के बाद हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शादी हो गई। रिवायात में आता है कि एक दिन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बकरियां चराते हुए दूर निकल गए। आपकी बीवी भी आपके हमरा थी। रात हो गई और रास्ता भूल गए। रात बड़ी सर्द और तारीख थी। आपको आग की तलाश हुई। इधर उधर देखा, सामने कोहे सीना पर चमकता हुआ शोला नजर आया। आपने अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं ठहरो, मैं वहां से आग ले आऊं। आप चले जा रहे थे और आग दूर होती जा रही थी। जब कुछ दूर तक चलने के बाद भी वो आग दूर रही तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खौफ खाने लगे और करीब था कि वापस हो जाएं कि आवाज आई, ऐ मूसा अलैहिस्सलाम, मैं तेरा परवरदिगार हूँ, अपना जूता उतार दे, ये तूआ की मुकद्दस वादी है, मैंने तुझको रिसालत के लिए चुन लिया है। प्यारे दोस्तों, यूं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने नबूवत अता की और उसके बाद से असा के मोजज़ात को अल्लाह की निशानियों के तौर पर आप अलैहिस्सलाम पर आश्कार किया गया और हुक्म हुआ कि हमारी इन निशानियों को लेकर फिरौन के पास जाओ और उसको और उसकी कौम को सीधा रास्ता दिखाओ। उसने बहुत सरकशी और नाफरमानी इख्तियार कर रखी है और वो बनी इसराइल पर इंतहाई जुल्म कर रहा है। उनको इस गुलामी और जिल्लत से नजात दिलाओ। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई को साथ लेकर फिरौन के दरबार गए और फिरौन से कहा कि खुदा ने मुझे अपना पैगंबर और रसूल बनाकर तेरे पास भेजा है। फिरौन से लंबी चौड़ी गुफ्तगू और मौजज़ात दिखाने के बाद भी उसने दावत कबूल ना की, जबकि बनी इसराइल की एक जमात आप पर और अल्लाह पर ईमान ले आई। जबकि फिरौन और उसकी कौम ने आपकी बात को झुठलाया। कभी वो ईमान ले आते और कई बार ऐसा हुआ कि जब अजाब रफा हो जाता तो ये लोग फिर मुनकर हो जाते। अब अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी कौम बनी इसराइल को मिस्र से निकालकर बाप दादा की सरजमीन पर ले जाओ। चुनाचे आप रात के वक्त बनी इसराइल को लेकर निकल गए। उधर फिरौन को भी इत्तला मिल गई। उसने एक जबरदस्त फौज के साथ उनका ताकुब किया। वो पानी के किनारे पर पहुंचे थे कि मिस्री फौजें आ गईं, जिन्हें देखकर बनी इसराइल बहुत घबराए, मगर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनको तसल्ली दी कि घबराओ नहीं, अल्लाह का वादा सच्चा होता है। अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपनी लाठी पानी पर मारो। चुनाचे जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने बहीरा कुलजम के पानी पर अपनी लाठी मारी तो उसमें से रास्ता बन गया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े आराम से बहीरा कुलजम पार कर गए। ये देखकर फिरौन ने अपनी फौज को हुक्म दिया कि तुम भी इस रास्ते से बहीरा कुलजम को पार कर जाओ। लेकिन जब फिरौन और उसकी सारी फौज दरमियान में आ गई तो अल्लाह के हुक्म से पानी फिर अपनी असली हालत पर आ गया और फिरौन अपनी फौज समेत गर्क हो गया। प्यारे दोस्तों, ये था तज़किरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, जो कि बनी इसराइल में एक जलीलुल कदर और मारूफ नबी थे और आप अलैहिस्सलाम के दौर में बनी इसराइल के हवाले से बहुत से वाकयात हैं जो कुरान पाक में बयान हुए हैं। दोस्तों, अब तज़किरा करते हैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का। ये भी बनी इसराइल के मशहूर अनबिया में से हैं। रिवायात के मुताबिक हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम 965 कबले मसीह फलस्तीन में पैदा हुए। आप अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। मोहम्मद बिन इसहाक हजरत वहाब बिन मंबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से तहरीर करते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पस्ता कद थे, आंखें नीली थीं, जिस्म पर बाल बहुत कम थे, चेहरे से पाकीजगी झलकती थी, नहायत हमदर्द, कवि, बहादुर
और निडर होने के साथ हुक्मरानी और फैसला करने की कुव्वत तोहफा खुदावंदी में मिली थी। कहा जाता है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से कबल बनी इसराइल में नबूवत आले लावी बिन याकूब में चली आ रही थी, जबकि बादशाहत दूसरे खानदान यहूदा बिन याकूब में थी। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पहली मर्तबा दोनों एजाजात एक ही शख्सियत में जमा फरमा दिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुजीदा नबी और रसूल थे और बादशाह भी। और याद रहे कि अनबिया अकराम अलैहिस्सलाम में हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लकब से नवाजा। जैसा कि सूरह स्क़ाद में अल्लाह ताला ने फरमाया, ए दाऊद, हमने तुम्हें जमीन पर खलीफा बना दिया, तुम लोगों के दरमियान हक के साथ फैसले करो। प्यारे दोस्तों, यहाँ दाऊद अलैहिस्सलाम की पहली फतह का तज़किरा करते हैं जो कम सिनी की उम्र में आपको हासिल हुई, और ये वाकया कुरान पाक में भी बयान हुआ। कहते हैं कि कौम अमालिका के जालिम और जाबिर बादशाह जालूत की फौज के मुकाबले में सफ आरा बनी इसराइल के बादशाह हजरत तालूत के लश्कर में एक कम उम्र नौजवान भी अपनी गुलेल के साथ शामिल था, क्योंकि नौ उम्र होने की वजह से उसे असलहा नहीं दिया गया था। जालूत जिस्म को सामाने हरब से सजाए नहायत राउनत और तकबर से शाही सवारी पर बैठा अहले ईमान को दावत मुबारजत दे रहा था। अभी बनी इसराइल का एक छोटा सा लश्कर कोई फैसला भी ना कर पाया था कि अचानक उनकी सफों में मौजूद ये कम उम्र नौजवान उकाब जैसी बर्क रफ्तारी से बाहर निकला और जालूत के सामने पहुंचकर उसे ललकारने लगा। गोश्त के पहाड़ लहीम शहीम और तवीलुल कामत जालूत ने हैरत के साथ नौजवान को देखा तो हकारत से बोला, जा, मेरी आंखों के सामने से दूर हो जा, मैं तुझे कत्ल करना पसंद नहीं करता। बेखौफ नौजवान ने बादशाह की आंखों में आंखें डालकर गरजदार आवाज में जवाब दिया, लेकिन तुझे कत्ल करना मुझे पसंद है। फिर फलक पर चमकते सूरज की तेज रोशनी में अर्जो समा ने एक हैरत अंगेज मंजर देखा। नौजवान की गुलेल से गोली की तरह निकले पत्थर से जालूत का मुतकब्बिर सर पाश पाश हो चुका था और उसका ताकतवर जिस्म जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। ये सब इतना अचानक हुआ कि जालूत की असलहे से लैस फौज को संभलने का मौका ही ना मिला और वो बदहवास होकर भाग खड़ी हुई। ये नौजवान एक चरवाहा था जो सारा दिन जंगल में बकरियां चराया करता और गुलेल से बकरियों के करीब आने वाले दरिंदों को मार भगाता, लेकिन कुदरत ने तो उसके लिए बड़े फैसले कर रखे थे। अल्लाह ताला ने पहले उसे बनी इसराइल का बादशाह बनाया और फिर उसे नबूवत और रसालत के अजीम मनसब पर फाइज फरमा दिया। सूरह बकरा की आयत नंबर 251 में अल्लाह ताला ने फरमाया, दाऊद ने जालूत को कत्ल कर डाला और अल्लाह ने उनको बादशाही और दानाई बख्शी और जिन जिन चीजों को चाहा उन्हें इल्म दिया। प्यारे दोस्तों, मालूम हुआ कि वो नौजवान हजरत दाऊद अलैहि सलाम थे और उन्होंने छोटी उम्र में जालूत को कत्ल किया और ये आप अलैहि सलाम की पहली फतह थी, जिसके बाद अल्लाह ताला ने आप अलैहि सलाम को बादशाहत भी अता फरमाई और नबूवत भी, और आप अलैहि सलाम को अल्लाह ताला ने किताब यानी जबूर भी अता फरमाई। जैसा कि कुरान पाक में इरशाद है, सूरह बनी इसराइल में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने बाज पैगंबरों को बाज पर फजीलत बख्शी और दाऊद को जबूर इनायत की, और सूरह निसा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने दाऊद को जबूर भी इनायत की। प्यारे दोस्तों, इमाम बागवी रहमहुल्ला ने अपनी तफसीर में लिखा है कि जबूर अल्लाह की किताब है जो हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। इसमें 150 सूरतें हैं जो दुआओं और हमदो सना पर मुश्तमिल है, ताहम उनमें हलाल व हराम और फराइज व हदूद का बयान नहीं है। जबूर के लगवी मानी हैं पारे या टुकड़े के। दरअसल जबूर के नजूल का मकसद तौरात की तकमील था, इसलिए कि गोया ये तौरात ही का एक हिस्सा या टुकड़ा है
दोस्तों आपको बताते चलें कि जबूर अल्लाह ताला की हम्द व सना से मुज़य्यन है और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने दिल नशीं आवाज और सहर अंगेज लहन अता फरमाया था। आप अलैहिस्सलाम जब जबूर की तिलावत फरमाते तो वजद आफरीन तिलावत से मशहूर होकर चरिंद परिंद दरख्त पहाड़ जिन्नो इंस दरियाओ समंदर यानी सब अल्लाह ताला की हम्द व सना में महव हो जाते। इसीलिए आज तक लहने दाऊदी जरबुल मिसल है। दोस्तों ये था तज़किरा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का और उनकी नबुवत और उन पर नाजिल होने वाली किताब का। अब तज़किरा करते हैं बनी इसराइल के नबी सुलेमान अलैहिस्सलाम का। प्यारे दोस्तों हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी अल्लाह सुबहाना व ताला के अजीमुल मर्तबत पैगंबर गुजरे हैं। आपको बनी इसराइल में मबऊस किया गया था और न सिर्फ पैगंबरी अता की गई बल्कि दुनिया की अजीम बादशाहत और इल्म से भी नवाजा गया था। रिवायात में आता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ताला ने तीन ऑप्शन रखे थे कि वो जिस चीज को चाहें अपने लिए पसंद फरमा लें। आप अलैहिस्सलाम के लिए बादशाहत दौलत और इल्म रखा गया और आप अलैहिस्सलाम ने उसमें से इल्म को पसंद फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतखाब बारगाह खुदाबंदी में मकबूल ठहरा और आप अलैहिस्सलाम को बाकी दो चीजों यानी बादशाहत और दौलत भी इल्म के इंतखाब पर दिए गए। याद रहे कि आप अलैहिस्सलाम की हुक्मरानी न सिर्फ जमीन जमादात नबातात हैवानात पर थी बल्कि जिन्नो इंस भी आपके ताबे थे जबकि हवा भी आपके हुक्म के ताबे थी। आप अलैहिस्सलाम का एक अजीमुशान तख्त था जिस पर बैठकर आप अलैहिस्सलाम हवा के दोष पर दुनिया भर में जहां चाहे आते जाते और सफर किया करते थे। कहते हैं ये तख्त हवादिसे जमाना के बायस मतरूक और फिर खत्म हो गया। प्यारे दोस्तों याद रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम भी नहायत जलीलुल कदर पैगंबर गुजरे हैं और आपको भी अल्लाह ने बादशाहत अता फरमाई थी जिसका तज़किरा आप सुन चुके हैं। यहाँ आपको बैतुल मुकद्दस की तामीर और सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के हवाले से एक अजीब वाकया सुनाते हैं जो आपकी जिंदगी का अहम वाकया है। कहते हैं बैतुल मुकद्दस की तामीर जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसकी तकमील फरमाई। रिवायात बताती हैं कि इसमें कुछ काम तामीर का बाकी था और ये तामीर का काम जिन्नात के सुपुर्द था और उन जिन्नात की तबीयत में सरकशी गालिब थी लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खौफ से जिन्नात काम करते थे। उनकी वफात का जिन्नात को इल्म हो जाता तो फौरन काम छोड़ बैठते और तामीर रह जाती। इसका इंतजाम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बेइज़्ने रब्बानी ये किया यानी अल्लाह के हुक्म से ये किया कि जब मौत का वक्त आया तो मौत की तैयारी करके अपने मेहराब में दाखिल हो गए जो शफाफ शीशे से बनी हुई थी। बाहर से अंदर की सब चीजें नजर आती थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने मामूल के मुताबिक इबादत के लिए एक असा का सहारा लेकर खड़े हो गए। आप अलैहिस्सलाम इस अंदाज से खड़े हुए कि रूह परवाज करने के बाद भी आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक उस असा के सहारे अपनी जगह जमा रहे। इसी हालत में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की रूह वक्त मुकर्रर पर कब्ज कर ली गई मगर वो अपने असा के सहारे अपनी जगह जमे रहे और बाहर से ऐसे नजर आते कि इबादत में मशगूल हैं। आप अलैहिस्सलाम का जन्नात पर इस कदर रोब था कि जन्नात की ये मजाल न थी कि पास आकर देखते लिहाजा वो सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिंदा समझकर काम में मशगूल रहे यहाँ तक कि साल भर गुजर गया और तामीर बैतुल मुकद्दस का बकिया काम पूरा हो गया। बैतुल मुकद्दस का काम पूरा होने पर अल्लाह ताला ने घुन के कीड़े को जिसको उर्दू में दीमक कहा जाता है या दीमक जैसा ही एक कीड़ा है और कुरान करीम ने उसको दाबतुल अर्ज के नाम से मौसूम किया है असाए सुलेमानी पर मुसल्लत कर दिया। उस घुन ने उस दीमक जैसे कीड़े ने असा की लकड़ी को अंदर से खाकर कमजोर कर दिया
यूं असे का सहारा खत्म हुआ तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का जस्ते मुबारक गिर गया। उस वक्त जिन्नात को उनकी मौत की खबर हुई। दोस्तों, आप अलैहिस्सलाम की मौत के इस वाक्य में बड़ी हिकमतें पोशीदा हैं। यहाँ ये बात सोचने की है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, जिनको ऐसी बेमिसल हकूमत और सल्तनत हासिल थी कि सिर्फ सारी दुनिया पर ही नहीं बल्कि जन्नात और तयूर और हवा पर भी उनकी हकूमत थी, मगर उन सब सामानों के बावजूद मौत से उनको भी निजात ना थी। और ये कि मौत तो मुकर्रा वक्त पर आनी थी जो आकर रही। इसीलिए तो कहा जाता है कि मौत ऐसी अटल हकीकत है कि जिसका इनकार किसी को नहीं। प्यारे दोस्तों, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के वाक़े की एक बड़ी हिकमत ये थी कि जिन्नात को अल्लाह ताला ने दूर दराज की मुसाफत चंद लम्हात में कता कर लेने की कुव्वत अता फरमाई थी। वो बहुत से ऐसे हालात व वाक़यात से वाकिफ होते थे जिनको इंसान नहीं जानते थे। जब वो इंसानों को इन वाकयात की खबर देते तो इंसान ये समझते थे कि ये गैब की खबर है और जिन्नात को भी इल्म गैब हासिल है। लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत के इस अजीब वाक़े ने इस बात की हकीकत खोल दी और खुद जिन्नात को भी पता चल गया और सब इंसानों को भी कि जिन्नात आलमुल गैब नहीं है। क्योंकि उनको गैब का इल्म होता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मौत से एक साल पहले ही बाखबर हो जाते। दोस्तों, ये था तज़करा मुख्तसरन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का और बैतुल मुकद्दस की तामीर का, जिसको हैकले सुलेमानी का नाम भी दिया जाता है। ये वाक्या बताता है कि बैतुल मुकद्दस की तामीर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में मुकम्मल हुई और इसमें जन्नात ने काम किया। प्यारे दोस्तों, अब तज़करा करते हैं हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। याद रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल में मबूस होने वाले आखिरी नबी थे। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को खातमुल अनबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की खुशखबरी दी। जैसा कि सूरह सौफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, और जब ईसा इब्ने मरियम ने कहा, ए बनी इसराइल, मैं तुम्हारे पास अल्लाह का भेजा हुआ आया हूँ और एक पैगंबर की जो मेरे बाद आएंगे जिनका नाम अहमद होगा, बशारत सुनाता हूँ। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तकरीबन 600 साल तक कोई नबी नहीं आया। फिर अल्लाह ताला ने हमारे आका सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे जहानों के लिए रहमत बनाकर मबूस फरमाया और उन पर आखिरी आसमानी किताब कुरान मजीद नाजिल फरमाई। याद रहे कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल फरमाई गई थी, जैसा कि सूरह मायदा में अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने उन पैगंबरों के बाद ईसा इब्ने मरियम को अपने से पहली किताब यानी तौरात की तस्दीक करने वाला बनाकर भेजा और हमने उनको इंजील अता की जिसमें हिदायत और नूर था। इब्ने जुरैर रहमतुल्लाह अलैह ने तहरीर किया है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर जब इंजील नाजिल हुई तो आप अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 30 साल थी और नबूवत के 3 साल बाद यानी 33 बरस की उम्र में अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठा लिया। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुरान करीम की 13 सूरतों में मुख्तलिफ नामों से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का तज़करा मौजूद है। 26 मकामात पर ईसा अलैहिस्सलाम, 23 मकामात पर इब्ने मरियम, 11 जगहों पर मसीह और एक मकाम पर आपको अब्दुल्लाह कहा गया है। कुरान मजीद की 19वीं सूरा सूरा मरियम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा मोहतरमा के नाम पर है, जिसमें हजरत मरियम बिन्नत इमरान और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा तफसील के साथ मौजूद है। इसके अलावा कुरान मजीद की 3री सूरत सूरह आल इमरान हजरत मरियम अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद के नाम से मंसूब है, जिसमें हजरत मरियम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वाकया बयान किया गया है। कुरान मजीद की 5वीं सूरत सूरत अल माईदा में उस खाने का जिक्र है जिसकी फरमाइश हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों ने की थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की
जिस पर आसमान से मायदा यानी खाने के खान का नजूल हुआ। दोस्तों कहा जाता है कि कुरान पाक में सबसे ज्यादा जिस नबी का तज़करा है वो हजरत ईसा अलैहि सलाम ही है। और इसी बारे में मुफ्ती मोहम्मद शफी रहमतुल्लाह अलैह तहरीर फरमाते हैं कि कुरान मजीद में अनबिया अकराम अलैहि सलाम में सबसे ज्यादा जिक्र हजरत ईसा अलैहि सलाम का किया गया है। सूरत आल इमरान के 11वें रुकू में अल्लाह ताला अनबिया साबिकीन अलैहि सलाम का जिक्र एक ही आयत में अजमालन करने पर इक्तफा फरमाया। उसके बाद तकरीबन 3 रुकू और 22 आयात में हजरत ईसा अलैहि सलाम और उनके खानदान का जिक्र किया गया। हजरत ईसा अलैहि सलाम की नानी का जिक्र, उनकी नजर का बयान, वालिदा की पैदाइश, उनका नाम, तरबियत का तफसीली जिक्र, हजरत ईसा अलैहि सलाम का बतने मादर में आना, फिर विलादत का मुफस्सिल हाल, विलादत के बाद माँ ने क्या खाया पिया उसका जिक्र, अपने खानदान में बच्चे को लेकर आना, उनके तानो तशनी, नौमौलूद मसीह को बतौर मोजज़ा गोयाई अता होना, कौम को दावत देना, उनकी मुखालफत, हवारीन की इमदाद, यहूदियों का नरगा, जिंदा आसमान पर उठाया जाना वगैरह। फिर अहादीसे मतवातरा में उनकी मजीद सिफात, शक्ल सूरत, हैयत, लिबास वगैरह की पूरी तफसीलात। ये ऐसे हालात हैं कि कुरान और हदीस में किसी नबी और रसूल के हालात इस तफसील से बयान नहीं किए गए। प्यारे दोस्तों याद रहे कि हजरत ईसा अलैहि सलाम कयामत के करीब दोबारा दुनिया में उतारे जाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती की हैसियत से हजरत ईसा अलैहि सलाम का दोबारा नजूल उम्मत मुसलमान की क़यादत और रहनुमाई, फितना दजाल की सरकूबी, खिंजीर का कत्ल, सलीब का तोड़ना, याजूज माजूज का खात्मा, फस्क व फजूर का सद्देबाब, अमन व अमान का क़याम, इस्लाम का बोलबाला, क़ुर्ब क़यामत की वो हकीकतें हैं कि जिनके ज़हूर का तज़किरा अहादीस की तमाम कुतुब बाशमूल सही बुखारी और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है। कहा जाता है कि उनके दौर में सब मुसलमान हो जाएंगे, दजाल का कत्ल भी आप अलैहिस्सलाम के हाथों होगा और याजूज माजूज का ज़हूर व फसाद भी आप अलैहिस्सलाम ही की मौजूदगी में होगा। बिलाखिर आप अलैहिस्सलाम ही की बददुआ से उनकी हलाकत होगी। जैसा कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जरूर एक वक्त आएगा कि तुम में इब्ने मरियम हाकिम आदिल बनकर नाजिल होंगे, वो सलीब तोड़ देंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे, जिजिया उठा देंगे और माल की इतनी बहतात हो जाएगी कि कोई उसे कबूल करने वाला नहीं होगा, यानी सदका और खैरात लेने वाला कोई नहीं होगा, हत्ता कि एक सजदा दुनिया और माफिया से बेहतर होगा। प्यारे दोस्तों आपने बनी इसराइल के मशहूर अनबिया का तज़करा मुलाहिज़ा किया। आखिर में आपको बनी इसराइल पर नाजिल होने वाले खान के बारे में बताते हैं और वीडियो का अख्तिताम करते हैं। कुरान पाक की सूरह अलमायदा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा है, ईसा इब्न मरियम ने दुआ की, ऐ हमारे रब, हम पर आसमान से खाने का खान नाजिल फरमा ताकि वो दिन हमारे अगलों और पिछलों के लिए ईद हो जाए और तेरी तरफ से निशान हो जाए और हमें रिज्क अता फरमा और तू सबसे बेहतर रिज्क अता फरमाने वाला है। इस आयत में बनी इसराइल पर जो मायदा अल्लाह की तरफ से खान की सूरत में नाजिल हुआ उसका तज़करा है, जो कि हजरत ईसा अलैहि सलाम के हवारियों पर नाजिल हुआ। याद रहे कि बनी इसराइल पर दो बार आसमान से खान नाजिल हुआ है, एक हजरत ईसा अलैहि सलाम के हवारियों के लिए और दूसरा हजरत मूसा अलैहि सलाम की कौम पर। जब हजरत मूसा अलैहि सलाम 6 लाख बनी इसराइल के अफराद के साथ मैदान तह में मुकीम थे तो अल्लाह ताला ने आसमान से दो खाने उतारे, एक का नाम मन और दूसरे का नाम सलवा था।
रिवायात बताती हैं कि मन बिल्कुल सुफेद शहद की तरह एक हलवा था या सुफेद रंग की शहद ही थी जो रोजाना आसमान से बारिश की तरह बरसती थी और सलवा पकी हुई बटेरें थीं जो हवा के साथ आसमान से नाजिल हुआ करती थीं। जैसा कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर अपनी नेमतों का शुमार कराते हुए कुरान मजीद की सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, और तुम पर मन और सलवा उतारा। इस मन और सलवा के बारे में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का ये हुक्म था कि रोजाना तुम इसको खा लिया करो और कल के लिए हरगिज हरगिज उसका जखीरा मत करो। मगर बाज ज़ईफुल एतकाद लोगों को यह डर लगने लगा, अगर किसी दिन मन और सलवा ना उतरा तो हम लोग उस बेआबो गया चटियल मैदान में भूखे मर जाएंगे। चुनाचे उन लोगों ने कुछ छुपा कर कल के लिए रख लिया तो नबी की नाफरमानी से ऐसी नाहूसत फैल गई कि जो कुछ लोगों ने कल के लिए जमा किया था वो सब सड़ गया और आइंदा के लिए उसका उतरना बंद हो गया। दोस्तों, रिवायात में आता है कि हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बनी इसराइल ना होते तो ना ये खाना कभी खराब होता, ना गोश्त सड़ता। खाने का खराब होना और गोश्त का सड़ना इसी तारीख से शुरू हुआ, वरना इससे पहले ना खाना बिगड़ता था ना गोश्त सड़ता था। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें बनी इसराइल का और बनी इसराइल के अनबिया का तफसीली तज़करा आपने मुलाहिज़ा किया। जाने से पहले वीडियो को आप शेयर ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। मुझे अगली वीडियो तक इजाज़त दें। फी अमानिल्लाह।